नमस्कार, मैं कविता चौधरी अपनी डायरी से एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बंधुआ मजदूरी। हमसे काहे घबरा रही है? जब सब क्या कर रहे हैं? तू हमारी बंधुआ है, हमें खुश करना तेरा काम है और तेरा धर्म भी। ये एक ऐसी कुप्रथा है जो सालों से हमारे देश में चली आ रही है। इसमें एक इंसान से उसके जीने का हक छीन लिया जाता है और छीनने वाला एक इंसान ही होता है। 1975 में सरकार ने एक अधिनियम पारित करके बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये प्रथा आज भी बिना रोक टोक के जारी है। इस पे हमें रिसर्च के दौरान बिहार के एक गांव की ऐसी घटना मिली जो सोचा था कभी सबको बताऊंगी, आज वही लेकर आपके पास आई हूँ। आइए देखें बंधुआ की बेटी। आज काटल में कैसे मर ही जा रही है? हमारा शरीर साथ नहीं देता, थोड़ा थोड़ा देर में चक्कर आ जाते, अब न जाने कितने दिन जीने। तुम्हारे हिसाब से चले तो तू कब का मर गई होती? अभी कजरे का ब्याह कर दे, उसके बाद तुम्हारे इलाज कराएंगे, ठीक है? तो आराम कर यहाँ पे। सतवा आराम चल रहा है कबे? आराम के पैसे बांटते हैं हम, है? नहीं मालिक, गौरी के चक्कर आ गया रहा। बेटा जब आराम के पैसे कटेंगे ना तो ये जो चक्कर बक्कर है सब हवा हो जाएगा, समझाए दे रहे हैं? नहीं मालिक, आप खुद ही देख लो, वो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है कि खड़ी नहीं हो पा रही। इतनी तबीयत खराब है तो इसे घर का ही नहीं बिठाता? मालिक थोड़ी देर आराम कर ले है तो उसके बाद काम करे लगे है। देख सतुआ, जब इसे काम ना होवे तो अपनी बेटी को का ही नहीं लाता है बे, है? अच्छी खासी जवान हो गई है। छोटे मालिक, हमारी बुढ़िया के बारे में ऐसा ना बोलिए। हेलो, अब ऐसा क्या बोल दिया बे मैं, है? अब जवानी हमारे काम ना आवेगी तो किसके काम आएगी रे सतुआ? छोटे मालिक, बिटिया पे हाँ, बिटिया का नाम ना लिखाओ, मेरी बिटिया का नाम ना लिखाओ। तो कौड़ी का आदमी हम पे आंखें तारे साहब है, हाँ? तेरा तो ऐसा ऐसा हिसाब बनाएंगे कि तेरी तबीयत खुश कर देंगे। कचरी के बारे में? अरे गुलाबी हम करी थे, हमारी बिटिया ने। कचरी की अम्मा, हम गुलामी किए तो किए, बिटिया को नहीं करने देंगे। ले लो खाना, खा लो कजरी के बाबू। कजरी को ही गांव से बाहर भेजना है, कहीं दूर दिल्ली तोरे भैया के पास। ये गांव में रही तो जमींदार के कुत्तों से कौन बचाएगा उसको? हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। कजरी का शहर भेजेगा जल्दी से जल्दी बस। बापू हम कत्तो ना जा रहे, आप लोग हमको ये लिए पढ़ा रहे हैं कि एक दिन हम आप लोग को छोड़ के दूर चले जाएं। पर तू यहाँ का करेगी, मट्टी खोदेगी? आए
तो आप मजदूरी करेंगे हमारी तरह? अम्मा बापू को समझा दो, हम कत्तू ना जा रहे। देखो अभी अभी तो पढ़ के आई है, तो शांति रखो, मैं समझाती हूँ उसे। जा जा हाथ पो धो, क्या खाना खाने बैठ, खाओ। बैठ। देख बिटिया, तेरे बापू गलत ना कह रहे हैं। अरे हमने तो अपनी जिंदगी बंधुआ मजदूरी करते करते काट ली, पर तुझे ना करने देंगे, इसलिए हम तुझे तेरे मामा क्या भेज रहे हैं। तो का हमारे इतना सब पढ़ल लिखल बेकार जाए? बेटा तू काहे नहीं समझ रही बात को, तो हार जिंदगी बनाने के लिए पढ़ा रहे तो? ऐसा तू आ बोले सर, उतने वक्त कहाँ आ गया? बमार गया क्या बे? जी मालिक। चल, जमींदार साहब ने बुलाया तुझे। मालिक बुलाया? ये बखत खाना खा रहे थे, जरा खा लेते तो चलते। मतलब ए सतुआ, ये आजकल तुझे बहाने और बीमारी बड़ा सोचता है बे। नहीं मालिक, है सर मैं अन्नदाता है तेरे, हैं? और अन्नदाता से अन्न बड़ा हो गया। नहीं मालिक, चल 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 फटाफट कर। का मतलब का सोच कर आवे? हाँ तो मतलब बैठ के जाएगा हमारे साथ, है? अरे चल भाग, तेरे पास इतना टाइम ना है, हमारी मोटरसाइकिल से पहले पहुँचना है तुझे, हैं? समझा? और बेटा अगर देर हो गई तो समझ ले कल की दिहाड़ी तो बेटा गई। चल भाग, चल 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 निकल। और सुन 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 सुन, तेरे जाने के थोड़े देर बाद निकलेंगे हम, तो कहा है ना सतुआ के मतलब हम दिल से चाहते हैं कि तू ही जीते आज, हैं? तो कहा है ना कि मतलब हमारे दिल में भी मतलब थोड़ी दया धर्म तो है। चल 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 बेटा, आ रहे हैं। काहे बगा रहा है इसको इतना? अच्छा, सतुआ हमसे कहत रहे के छोटे मालिक आपसे रेस लगाएंगे, देखो ससुराल जीत भी गए। कह रहे सतुआ, हमको पता चला है कि तुम हमारे भतीजे पे हाथ उठाया है। मालिक हमारी ऐसी हिम्मत, छोटे मालिक हमारी बिटिया के बारे में? अरे भाई कायदा कानून भी होता है कि नहीं, मर्यादा भी होती है ना। देख सत्तू, तुमने जो गलती की है उसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए मालिक। मिलनी चाहिए। हमारा दिल तो कहता है कि तुमको माफ करते हैं, लेकिन अगर हम तुमको माफ कर दिए ना तो सारे गांव वाले गलती करेंगे और बगावत भी कर सकते हैं। बोलो है कि नहीं? हाँ मालिक। फिर तो तुमने आज गलती की है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। कितने बेरहम लोग हैं,
कितनी बुरी तरह मारा है बापू को, कोई लाज हया ही नहीं है। जन्म से ही देखते और सहते आ रहे हैं, अब तो जैसन आदत हो गई है। सही कह रही हो अम्मा, पर अम्मा अगर गुलामी की आदत हो सकती है तो आजादी की काहे नहीं। बेटा तो झुन की रोटी मिल रही है ना, बस वही वही भगवान का शुक्र है। 2 जून की रोटी, आज भी स्वतंत्र भारत में सत्तू जैसे लोग 2 जून की रोटी के लिए हर जुल्म सह लेते हैं। दरअसल सत्तू गुलामी ठाकुर की नहीं, सत्तू गुलामी अपने अंदर के डर की कर रहा है। परंपराओं ने उसमें इतना हीन भाव भर दिया है कि वो मालिक के अन्याय को भी न्याय मानता है। वैसे सांसारिक व्यवहारों के उल्लंघन का डर हम सब में भी तो है कहीं ना कहीं। सत्तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए अपने अधिकारों से बिल्कुल अनजान था, और उसकी यही कमजोरी उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी भारी पड़ सकती है। आज साल का वो दिन आ गया है, समझे, जब बूढ़े माँ बापन में से किसी एक को इस मजूरी से छुटकारा मिलेगा, है समझे। आज हर एक बेटे की बोली लगाई जाएगी, और कान खोल के सुन लो सब लोग, जो ये लड़का नहीं बड़ा वाला पत्थर उठावेगा उसे मिलेगी 20 रुपया दिहाड़ी, है, और जो उठाएगा ये छोटा वाला पत्थर उसे 10 रुपया दिहाड़ी। ए विष्णु, चल अपने लड़कन को बोली कि बड़ा वाला पत्थर उठाए। उठा बेटा, हाँ शाबाश, हाँ शाबाश, उठा उठा उठा, आ उठा लिया रे, उठा लिया है। जे हुई ना बात है भाई, तुम्हारा हुआ 20 रुपया। छोटे मालिक, बाबूजी ने दिहाड़ी देने से मना कर रहे हैं। आप बताया हमें, हमें ही ने मना किया है। काहे? अरे जो नियम है वही हुआ है, हैं? देख देख गौरी, तुम दोनों लोगन का दिहाड़ी होता है 40 रुपया, दोनों लोगन का, समझे, हैं? और आज तेरा सत्तू आया नहीं तो समझ ले तेरी भी दिहाड़ी गोल। मालिक मैं तो आई ना, मेरी दिहाड़ी दे दो। मालिक घर पे खाने को एक दाना भी नहीं है, और कचरे के बापू वो बहुत बीमार है। कजरी का बापू बीमार है, कजरी तो नहीं है ना, है? जा, उसे भेज, है? उसे हम पूरे 80 रुपए दिहाड़ी देंगे, माँ कसम, है? जा जा जा, जा भेज। ये अम्मा कहाँ रह गई, अब तक आई कहाँ नहीं? कहाँ बनाए हम, घर में एक दाना तक नहीं है। अम्मा अभी हमारा राशन कहाँ है? खा लिया था। कहाँ हुआ, कोई बात है का? हाँ, वो तेरे पापू है ना, वो काम पर नहीं गए ना, इसलिए वो जमींदार ने पैसे भी नहीं दिए। अरे ऐसे कैसे नहीं दिए, अब कहाँ होगा अम्मा, उधर बापू भूख से तड़प रहे हैं। हाँ, अगर तेरे पापू को पता चला ना कि जमींदार ने पैसे नहीं दिए तो ये ऊपर वाला भी हमारी जिंदगी जानवर से भी बदतर बना के रखे हैं। वो लोग अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। तो आप सब आवाज काहे नहीं उठा रहे? काहे? अरे अरे, 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिलेगा। कजरी मत जा पापू के पास। बेटा शाबाश,
कुछ कहना है। हमरी अम्मा की मजदूरी का पैसा काहे नहीं दिए? जब तोरे अम्मा और बापू दोनों एक साथ मजदूरी करेंगे तभी मिलेगी दिहाड़ी, समझे? वो का कहते हैं वो गठबंधन में मजदूरी करते है ना, हैं? एक तो आया ना काम पे, ओका तो पैसा दो। अरे दूसर का ना ही देना है तो ना ही दो। और वैसे भी बापू अगर ठीक होते ना तो काम पे जरूर आते। अच्छा अच्छा अच्छा, देख कजरी, अब इतनी दूर से धूप में नंगे पैर चल के आई है ना, तो मतलब हमारा दिल भी ना मतलब पसीज गया है एकदम अंदर से, है? चल ले इनक 100 रुपया पकड़। काकी, हमका पता है कि तुम सभी का बात कर रही है। हमारे बापू के साथ जुल्म हुआ है और यही जुल्म तुम सभी के पति और बच्चों के साथ भी हो रहा है। हमका तो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि तुम लोगन को ना गुलामी सहने की आदत पड़ गई है। आखिर कब तक उस जमींदार का जुल्म सहते रहोगे? ऐसे तो उन जमींदारों का मन बढ़ेगा। हमारी बात मानो और तुम लोग ना बस एक बार हिम्मत करके एकजुट हो जाओ, फिर देखो ये जमींदार और भतीजा हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। कचरी, बहुत चर्बी चढ़ गई है रे तुझे। छोड़ा झांसी की रानी बनेगी तू। हम करे हाँ छोड़ा मानी तो बहुत ही बुरा होगा, बताई दे रहे। अरे छोड़ दे रहे कजरी, कहे छोड़ दे, ए, बहुत मुश्किल से तो हाथ में आई है रे तू कजरी। माँ कसम बहुत करंट मारे है रे तू। कजरी कजरी रुक रुक रे कजरी, कहाँ भागी जा रही है रे? एक बार गले से लगा ले रे। हैं अच्छा, हैं कजरी रुक जा, रुक कजरी। अगर जमींदार साहब को पता चल गया तो चमड़ी उतरवा देंगे। हम तो हर झूठ में नहीं जाएंगे, समझे? खबरदार, अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन बता दे रहे हैं छोड़ेंगे नहीं तुझे। देखते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। हाँ हाँ देख लेंगे जा। सच सच बता, क्या हुआ था? बैग रे ठाकुर साहब, हम सब वहीं पर थे, गलती छोटे मालिक की ही थी। हम किसी के साथ भी नाइंसाफी होने नहीं देंगे। कोई भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ए बलेश्वर, जा
क्यों किया रे तू सब? हैं? बोल। बस। हमारे दरबार में इंसाफ की लाठी सबके लिए एक जैसी है। जो भी गलती करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो हमारा भतीजा ही क्यों ना हो। अरे कजरी, खुश है ना? ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। हाँ ठीक है, ठाकुर साहब की जय। अब तुम सब जा सकते हो। बिटवा हमको माफ कर देना, हमको माफ कर देना बिटवा, हमको माफ कर देना। चाचा हम भतीजा हैं आपके, हैं? वो दो कौड़ी की कजरी के लिए आप हमें कुत्ते की तरह मारे। अरे बेटा सब समझाते हैं क्यों मारा। बैठ 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 बैठ। देख बलेश्वर, अगर हम तुमको नहीं मारते ना तो जो इतना सालों से हम राजपाट बनाए हैं वो हाथ से चला जाता। देखे नहीं कजरी की आंखों में आज देख रहा था ना कैसी बगावत थी, और जो ये अनपढ़ गांव वाले हैं आज तो उसकी जबान बन गए थे। कजरी की आवाज से डर गए चाचा? इससे पहले कि उसकी आवाज ऊंची हो उसका टेटवा ही दबाना है। हमका बस अब कजरी चाहिए है तो चाहिए बस चाचा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर बेटा, ये तो अब हमारी जिम्मेदारी है। उसने जो हमाकत की है ना बेटा उसकी सजा हम उसे मिलकर देंगे। अब तो दर्द सहने की बारी उसकी है। जी ठाकुर जी, हम भी देखेंगे कि आप लोगों ने जो हिमाकत की है उसकी सजा अब चाचा भतीजा को मिलती है या नहीं। दोस्तों आज हमारी कहानी हम यही रोकते हैं, कल देखेंगे कि ये चाचा भतीजा अपने मकसद में कामयाब होते हैं या कजरी उनका तख्ता पलटती है। देखेंगे कल आईपीएस डायरी में। जय हिंद।